दोबारा से मिल गया इधर ही मारू मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जाओ कैसे मुड़ रहा कैसे मुड़ रहा है चला ले मैं आ गया मेरे से चला लगा तो फिर हो गया बैठ देखो श्रीधर लेजेंड बन तो जाएगी मगर फिर क्या फायदा कितने क्योंकि सस्ती होगी ना यार मैं काफी ओवर एक्टिंग करने लग गया मुझे लग रहा है मैं सूर्य मैं ओवर एक्टिंग करने लग गया सूर्य बनते जा रहा हूँ मैं यार देख रहा हूँ अच्छा देखो यार एक नंबर यार एक नंबर आ जाओ यार आ जाओ ये देखो इंडिया बैंक फोटो टंकी खींचने आती है अपने आप में मॉडल बनते हैं ऐसे पहाड़ों काट के बना रखा देखो ये देखो एक चीज ढांचे हाँ पूरे कलाकारी करके देखो दांत बना रखे देखो काट के बना रखा तो दांत वगैरह ये तो प्राचीन मंदिर है प्राचीन जो होता है ना बहुत पुराना हो गया प्राचीन मंदिर है एक चीज देखो एक चीज देखो रस्सी है ये काट रखा है इधर से ये पता कैसे काट रहा होगा बारह की बिल्कुल तसल्ली से काम होता है ना वो कर रखा है पता नहीं कर रखा है या बहुत पुराना है अल्टीमेट ये उज्जैन वाला ने महाकालेश्वर वाला मंदिर लग रहा है ये अपने इंद्रपुरी वाला ये ब्लॉक है कौन सा ब्लॉक है वो वाला मंदिर आ गया भाई साहब आ जाओ अल्टीमेट भाई अल्टीमेट मेरे दो तीन बार तक ये कलाम हो चुकी है अल्टीमेट भाई साहब क्या करो इनका ये अपने इंद्रपुरी मंदिर आ गया अभी तो मंदिर अंदर है ओ क्या आप देख रहे हो मैसी अरे मैसी कहाँ जा रहा है मैसी ओ मैसी अरे चंद्रमा पहाड़ पे आ गया ठंडा कितना हो रहा है भाई ये देखो काले पड़ गए मेरे पैर चप्पल में घूमते घूमते निशान हो गया भाई साहब मजा आ रहा है ठंडा बहुत है भाई चलो इधर का दिख रहा है आपको बड़ा खतरनाक सा लग रहा है रात को आऊंगा पागल हो जाऊंगा मजा आ रहा था ऐसी कोई बात नहीं मजा नहीं आ रहा मगर दिल खुश हो गया भाई इस मंदिर के टाइमिंग होते हैं गेट लगा हुआ है अभी हम जा नहीं सकते बाकी तुम झूठ मत समझना इस साइड ही था कैमरा मेरा मगर लिखा हुआ था उधर रिकॉर्ड करने के लिए तो मैं ठसे ठसे में कर रहा हूँ रिकॉर्ड काम काम में बोलने रहा कुछ बोले मुझे समझ ना आए फिर मुझे उस्ताद जी को बुलाना पड़ जाएगा अपने बाकी कोई नहीं कहा जितना तो घुमा दिया मैंने आपको दिखलाया भी था मैंने यहाँ गेट लगा हुआ है इस साइड से बोल रहे हैं मगर इधर शूट करने से जो मंदिर दिख रहा है ऊपर इसके भी एक ऊपर मंदिर है वहाँ साफ मना कर रहे जाने के लिए कि मत जाना हवा बहुत तेज चल रही है आसपास में लोग भी देखो खड़े होंगे आसपास को मतलब ना सीढ़ियाँ ढंग से ना कुछ पकड़ने को ना कुछ नहीं है अगर हम जा नहीं पाएंगे मेरा मन बहुत है और ऊपर चढ़ने का ये लंबा हो जाएगा काफ़ी लंबा हो जाएगा ब्लॉग मेरा मैं नहीं चाहता इतना लंबे ब्लॉग बना 10 से 8 मिनट का ब्लॉग ठीक है ज़्यादा लंबे नहीं डाले करूँगा कैसे मैं ब्लॉग ओ भाई साहब सामने व्यू देखो भाई दरवाजे देखो गाइस ये यात्रा रास्ता कर क्या जो गाइस कह रहा ना कोई जा रहा हूँ घूमता हुआ रोड से यूं करके यूं वो इस वाले पहाड़ के यूं कट के हुए हाँ सेकंड वाला पहाड़ है ना उदयपुर भी लगा थोड़ा थोड़ा और ये यही रास्ता है ना सर मंदिर जाने का गाइस देख रहा था ये ऐसा है घर से दिखता है नीचे से दिखता है
ये पैदल आने वाला, ये पैदल आने वाला रास्ता है। वैसे चैलेंज लगा रहे थे 2000 रुपये देंगे तो आ जाएगा, मगर आ जाता हो जाता मगर सारा फन खराब हो जाता है इनके चक्कर में, 2000 के चक्कर में मैंने रहने दो। और कैसे ऊपर जाके दिखाता हूँ मैं, देखो ऊपर जाने का कैसा है, मतलब क्यों मना कर रहे हैं यहाँ की खुद दुकान वाले मना कर रहे हैं कि मत जाओ फैमिली के साथ आए हो, कोई दिक्कत ऐसे जाना होगा मेरे को, देखो इन रस्तों से ऐसे जाना पड़ेगा, मतलब कि यूँ यूँ धीरे धीरे, देखो बंदे जा रहे थे धीरे, ये झूठ बोल झूठ नहीं बोल रहा मैं, यूँ जाना होगा तो यहाँ से ढलान यहाँ पर आया नॉर्मल सीधा, ये नॉर्मल है फिर यहाँ से यूँ ढलान यहाँ से यूँ करके, ये ग्रिल है बस पकड़ने के लिए यहाँ पर, अदरवाइज कुछ भी नहीं। अगर कल को बारिश हो गई कोई बंदा, वैसे मैं तो नंगे पैर हूँ इसलिए अच्छी पकड़ बन रही है, और नॉर्मली कोई बंदा अगर जूते वगैरह कुछ पहन के चला गया उसकी तो शामत आ जाएगी, उसको मतलब उतार के चलना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं वैसे तो, मगर भाई सच बताऊँ इतने में थक गया मैं, अगर वो उतर तक फट जाएगी भाई साहब, ऐसे गलत शब्द का प्रयोग मत कर भाई, भाई साहब नहीं। और ये इतना ही नहीं है, इसके पिछले वाला साइड पे मंदिर, सो चलते हैं, फैमिली के साथ रहना ज़्यादा सेफ रहेगा। जीत बहस तो मैं तो सोच रहा तुम्हारे को दिखलाऊं, काफ़ी बंदे हैं जो तमिलनाडु में कोई रहता नहीं है, मेरा तो रहता है इसलिए मुझे इजी हो रहा घूमने में, अदरवाइज यहाँ पर किसी को हिंदी तक नहीं आती, इशारों में बात कर रहा हूँ खुद कुछ, जैसे किसी कुछ लेने जा रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक, उनका नाम हम तो पता है जो नॉर्मली चीज़ है हमारे इधर की सामान वगैरह, मैगी कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहा हूँ तो ये है, वैसे कोई अदरवाइज में बात नहीं कर पा रहा ढंग से, बंदे मुझे देख रहे हैं क्या कर रहा है, बेकार है भाई इस वाली पे जाना, अगर मैं अकेला भाई होता तो मैं चलते हूँ, अगर मेरी सिस्टर ने छोटी अच्छा लगता है जाना, फिर हमारे अगर रास्ता वस्ता जाता अगर चीज़ें को आती है तमिल, हमें आती भी नहीं है किसी से कोई बात हो जाए। चलो मिलते हैं भाई से आए थे, हम एंटर कर गए थे हमने यहाँ से, भाई ये हमारा नीचे जाने वाला रास्ता, नीचे ऊपर आना दोनों, ये काफ़ी लोग पैदल आ रहे हैं, फिर से श्रीधर इधर तू बस श्रीधर पटीजी यार, यहाँ क्यों बैठा हुआ यार, यहाँ इन्हीं के इन लोगों के पैसे से तू टैनर नहीं ले पाएगा, अगर काम वाम कर रहे जाके जा, ये पीछे पीछे बता निखिल भी आ गया, पैन निखिल तू भी श्रीधर के नक्शे कदम पे चल रहा है, बस सुधर जाओ दोनों, बाप के कितने पे बंदूक रख रखे तुमने, अब पता चला मुझे यहाँ तो पूरा 11वीं ग्रुप आया हुआ है, पूरा 11वीं ग्रुप आया हुआ, बताओ मैं इनको घर पे ले जाने के लिए आया हूँ, क्यों, क्योंकि इनके घर वाले बहुत परेशान हैं, ये अपने घर के कुछ लोते थे कुछ इकलौते नहीं थे, कुछ वाले तो घर वाले जोते थे लड़का ही मर जाए हमारा, कि कुछ के घर वाले बोलते थे आप कौन घर पे आते, आपको मैं नहीं जानते, हम नहीं जानते, सीधा बार अम्मी कहाँ चले गए, तो गाइस अल्टीमेट मजा आ रहा, अगर श्रीधर उधर मेरे दोस्त भी होते ना मजा आ रहा था, उनकी बस की गाड़ी दूर आना, वो तो हमारे चंडीगढ़ तक सीमित है, मनाली तक सीमित है, 27-2800 किलोमीटर की राइड नहीं, मतलब किलोमीटर की राइड में सफर जो होता है कर नहीं सकते, उनको मोहल्ले के अपने कॉलोनी जो कॉलोनी में रहते हैं ना उस कॉलोनी क्या देते हो किसी उनको, राकेश आर ब्लॉक चाय वाला बस, चल रहे इस वाले पे चल रहे हैं नहीं चल रहे, मेरा मन था चलो कोई नहीं बात छोड़ो कल मैं आ जाऊँगा मैं चला जाऊँगा अकेला, इधर जा रहे इधर से आपको बहुत ईजी सा लग रहा होगा, मगर देखो सीधा नीचे पहाड़ वाले बंदे ने देखो नाम लिख रखा अपना, ओ भाई साहब खतरनाक भाई खतरनाक भाई साहब, लगा रहा हूँ बनता खत्म बॉडी खत्म सिंह बॉडी, ये सीधे रह के चक्कर में हो गई मेरी बॉडी वोडी खत्म, ये तो मैं तो बॉडी बिल्डर ही बनता क्योंकि मेरे मामा की भी जिम में है, आपकी तरह बनना है पैसा कमा के, हर नहीं भैया का ब्लॉग अल्टीमेट भाई अल्टीमेट अल्टीमेट, कहाँ हो यार कहाँ इंद्रपुरी में बैठे हो कोने में, तुम मनाली जा सकते हो अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ, तुम्हारे बस की जानी है प्राचीन जगहों पे आना, सागर तुम गाइस दुनिया का एकमात्र मंदिर है जिसमें भगवान शिव जी और पार्वती स्थापित है, स्थापित ही बोलेंगे जिनकी मुझे आती नहीं, वैसे दुनिया का एकमात्र मंदिर है आप सर्च मार सकते हो भाई, ये बंदे जिद बहस कर रहे हैं निकल लिए, अबे यार तुम भी इसलिए मुझे पसंद नहीं है इधर श्रीधर फिर मंजन, जिंदगी भर यार तू मंजन बाइक क्यों देख रहा बताओ, केजी भाई की बाइक देख रहा है श्रीधर क्या बोल यार, श्रीधर के बच्चे देखो बाप से श्रीधर ने पूरी जिंदगी मजे लिए अपने बच्चों को हड़पो कुछ खाओ कुछ कमाओ, यार चल श्रीधर यार से उम्मीद नहीं थी मजा,
गाइस लोग लगता है खत्म हो जाएगा कि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, मैंने पावर बैंक लगाया थोड़ी बहुत उससे बढ़ गई, नहीं इतनी देर मुझे पावर बैंक यहाँ पर आने के लिए मुझे नेट थी यहाँ पर घर जाएंगे जब भी चार्ज होगा वैसे होता नहीं, मगर पावर बैंक ने मेरा बहुत साथ दिया और लोग शायद देखो वहाँ पर मैंने नीले कलर दिलाती है, देखो यहाँ पर ऑरेंज कलर की गाइस देखो देख रही है गाइस उठने लग रही है रही है भाई साहब देखो देखो दिख रही हो गलती हुई, वहाँ पर ब्लू कलर की थी यहाँ पर ऑरेंज और ब्लैक पूरी ब्लैक। आ जा रहने दे आ जा चल छोड़ मत छेड़ सो कभी नीचे मिले हम दोनों, आ जा चल आ जा किराना पड़ रहा है खतरनाक खतरनाक लग रहा है भाई साहब, सांप सूप भी आया था लगता है देख देख कर चलना पड़ता है भाई देख कर, मेरे को लग ही रहा था मिल जाएगा मिल ही गया भाई, लेकिन जैसा बंदा तुम्हें लगता है यहाँ पर आता भी नहीं, बहुत हार्ड जरूर हिंदी आती है भाई उसे करे केरला केरला दिल्ली दिल्ली बताओ करा फ्लाइट से मैंने फिर हाँ फ्लाइट से उनको कहता जब मैं ट्रेन से आया हूँ और एसी वाली से आया हूँ भाई भाई साहब डर लग रहा चलने में भाई अरे वो पत्ता डाले जल्दी उठा मुड़ जा मुझे दे ना बहुत देर घट साड़े हैं परेशान कर कर दिया पानी पी कैसे गया ना कैसे पत्थर जा रहा हो अब भाई कर ले फोन ये छीन ली इसने पकड़ा जो कोक पड़ी देखो वैसे श्रीधर उठा के लास्ट कर दे दे उठा के लास्ट मैं नहीं जा रहा उठा उठा के लागे रहने दे वो पड़ी जा उठा उठा रहे श्रीधर जाके लंगो देख इधर देख लंगो इधर मंकी देख क्या कर रहा है मंकी देख क्या कर रहा है कौन तो बड़ा आराम है साला मंकी देख कोक पी रहा देख बैक बियर ही पिला देता तेरे को मैं बोलता प्यार से तो छीन के क्या मतलब था होल्डिंग भी नहीं पी थी तो इसी सर की चुन्नी उड़ के उधर चली गई ये बताओ भाई साहब मैं वीडियो नहीं बना पाया इंस्टेंट उड़ी एकदम से रॉकेट की तरह भाई साहब अल्टीमेट भाई पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ बोल सकते हैं मुझे थोड़ा देख के चलना पड़ेगा कीड़ों से डर लगता है बस मेरे को मैन आई थिंक यहाँ हो सकती है चुन्नी भाई साहब गलत सीन हो गया था भाई मेरी मम्मी की दिया मैं चाहते हैं छोड़ के जाना उसको मेरी मम्मी की थी पेड़ वेड़ों में गिरा भाई वो तो गलत सीन हो गया भाई बताओ यार मेरी मम्मी की चुन्नी इधर ही यार छोड़ गई तो गलत सीन हो गया यार गलत सीन हो गया यार जूते पहन के आता ना मैं तुम और नीचे चला जाता यार जूते पहनने इतना इम्पोर्टेंट हो गया क्या चलो गाइस चलते हैं मंदिर खुल गया गाइस मंदिर खुल गया कोई मना ना कर दे अंदर आ गई मूर्ति है ना शिव जी वो उसमें पार्वती और शिव जी जी एक ही मूर्ति है एक मूर्ति के अंदर है वो दोनों और वो वर्ल्ड में एक ही है ये तो उसके अंदर रथ और गोल्ड का आया गोल्ड का रथ है अगर किसी को तमिल पढ़ना आता है तो ये पढ़ लेना क्या लिखा है ओके गाइस चलो यार मिली तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया चीज है ये देखो बाइक बंद है बैटरी वाली है भाई बाइक हमारी एवेंजर बिल्कुल आवाज नहीं देखो गाड़ी स्टार्ट नहीं है बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट नहीं देख लो ये बैठा यार बिल्ली ग्रुप हमें दिखता हुआ फ्लाई बैक ये आ गया बस साहिल अब क्या बाइक की मांगेगा हमसे चिरान से मुंह के गाइस देख लो बिल्कुल भी बाइक साइलेंट है चला ले मैं आ गया मेरे से चला लगा तो मैं हो गया तू बताऊं कैसे
चल चला It's time to lunch. Thank you for the khana khane. Pura ka karna hai.